मैं बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक चिनैनी प्रकाश, आज का जो वन डे प्रोग्राम यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके रखा गया था, मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी सेंटर की सरकार का और जम्मू कश्मीर यूटी का कि जिन्होंने हमारे पंचों और सरपंचों के लिए हर एक ब्लॉक में ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम वन डे का रखा और इसमें हर प्रकार की ट्रेनिंग जो है हमारे ब्लॉक में सभी सरपंचों और पंचों को बुला के दी गई। जो भी पंचायत का इतिहास था वो पंचों और सरपंचों को बताया गया, जो भी ग्राउंड पर प्लानिंग होती है उसके बारे में बताया गया और इसमें जो सेंटर की सरकार ने हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हेड कोऑर्डिनेटर बनाए हैं साहिल भारद्वाज जी, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर चिनैनी के अंदर प्रोग्राम करवाया और काफ़ी हमारे पंचों सरपंचों को इस प्रोग्राम की वजह से जानकारी मिली, पंचायतों के पास क्या क्या अधिकार हैं, पंचायतों में को क्या क्या करना चाहिए और कैसे हमारी पंचायतें जो है ये ग्राउंड पर स्ट्रेंथ हो, पावरफुल हो, हर एक हक जो है वो गांव में कैसे पहुंचे, हमारी पंचायतें पावरफुल होंगी, हमारे पंच सरपंच जानकार होंगे, तो ये सब जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करने का यही एक मकसद है कि हर हक और हकूक जो है वो गांव के अंदर पहुंचे, हर गरीब के पास पहुंचे। और सरकार का मैं ये भी धन्यवाद करता हूं कि जो 73 और 74 जो अमेंडमेंट हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर की, उस वजह से आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुझे 10 गुना ज़्यादा जो डेवलपमेंट जो है पंचायतों के अंदर देखने को मिल रही है, हमारी पंचायतों के पंच और सरपंच जो है बड़े ही सराहनीय जो कदम उठा रहे हैं, जो सेंटर की स्कीमें हैं उनको हर गांव में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो PMAY आवास योजना हो, चाहे वो 14FC की प्लानिंग हो, चाहे वो 15FC की प्लानिंग हो, MG नरेगा की हो, या हमारा कैपेक्स बजट जो इस बार का हमें मिला, हम उससे भी हमारे पंच और सरपंच बहुत ही खुश हैं क्योंकि हमारा जो पहले डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का कैपेक्स बजट होता था 300 करोड़ होता था, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी केंद्र की सरकार को कि यूटी में जो डिस्ट्रिक्ट को प्लानिंग मिली 900 करोड़ की, हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर को प्लानिंग मिली और हमारी पंचायतें जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ इन्हीं लफ्जों के साथ सरकार का कि आज हमें यूटी के अंदर दफ़ा 370 टूटने के बाद जो उम्मीदें हमारी जनता ने सरकार